नमस्कार, मैं सनी तुशीर और इस वक्त हम मौजूद हैं नरेला क्षेत्र में। और ये आप मेरे सामने देख सकते हैं कि जालिम सास और उसके पति ने अपनी ही पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया है और घर के बाहर ताला लगा दिया गया है। ये देख सकते हैं, पत्नी सुबह से यहाँ पर बैठे हुए इंतज़ार कर रही है कि कब ये ताला खुलेगा और कब वो अपने घर पर जाएगी। सीधी बातचीत करते हैं कि क्या ये पूरा मामला है और किस तरीके से इनको घर से बाहर निकाला गया है। क्या ये दहेज का चक्कर है या कुछ और चक्कर है, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। हालाँकि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इनको घर से बाहर निकाला गया है। अब लड़की के जो माता पिता है वो भी यहाँ पर चुके हैं और वो भी घर के बाहर जो है वो बैठ गए हैं। ये देखिए, वो भी घर के बाहर आकर बैठ गए हैं। नरेला का मैं आपको वाक्य बता रहा हूं कि किस तरीके से एक जालिम पति ने और उसकी सास ने घर से बाहर निकाल दिया और सुबह से ये अपने घर के बाहर बैठी हुई है और घर पर ताला मारकर पता नहीं कहां निकल गए। सुबह से भूखी प्यासी यहां पर बैठे हैं। लड़की ने अपने माता पिता को यहां पर बुलाया है। ये देखिए, लड़की के माता पिता जो है वो भी यहां पर पहुंच चुके हैं और वो भी अब घर से बाहर जो है वो बैठ गए हैं कि कब ना कब यहाँ पर जो घर वाले आएंगे। फिलहाल दिल्ली पुलिस भी मौके पर पहुँच चुकी है और मामले की छानबीन में लगी हुई है। ये देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस भी मौके पर पहुँची है और मामले की पूरी छानबीन करने में लगी है। सीधा हम उनकी पत्नी से पूछते हैं कि आखिरकार मामला क्या है, क्यों इनको घर से बाहर निकाला जा रहा है, क्यों आपको घर से बाहर निकाला गया? क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं करते, वो मेरे दहेज की मांग करते हैं, तरह तरह से मेंटली टॉर्चर करते हैं। अगर तूने मेरी जिंदगी में रही तो मैं मर जाऊंगा, फांसी खा लूंगा, जमुना जी में उठ जाऊंगा, हरिद्वार चला जाऊंगा, तुझे कभी नजर नहीं आऊंगा। कितना समय हुआ आपकी शादी को? एक साल हुआ है। हाँ। तो एक साल में क्या आपके साथ इस तरीके की बदतमीजी की गई है, आपको? हाँ। साथ मारपीट के क्या आपको मेंटली टॉर्चर किया गया है? हाँ। क्या क्या बोला जाता है आपको? कहते हैं कि तू कोई काम ढंग से नहीं करती, तेरे माँ बाप भी तुझे कुछ दे के खुश नहीं है, वगैरह वगैरह। पैसे भी मांगे जाते हैं? हाँ। आपसे कितने पैसे की डिमांड की गई? पहले तो 4,000, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। अच्छा, तो इसी तरीके से बार बार डिमांड की जाती है आपसे? हाँ। ये लड़की के पिताजी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे कि किस तरीके से लड़की इनको बताती है और आज क्यों ये घर के बाहर आकर बैठे हुए। सर, क्या पूरा मामला एक बार बताइए। पूरा मामला ये है जी, हम इसको पहले शादी जब की थी, ये था, चलो हमारा बच्चा इतना हाई एजुकेटेड नहीं है, हैं, तभी मैंने इन्होंने शादी के लिए बोला, मैं वहाँ लगा हुआ हूँ यूपीएससी में, इसके फादर ने, मीडिएटर ने बोला यूपीएससी में लगा हुआ हूँ और मेरा रेलवे में काम होने वाला है, मैं रेलवे में लग जाऊँगा। खड़े हो जाइए, आप एक बार खड़े होकर बताइए। हाँ, अब बताइए। तो इन्होंने कहा कि मैं यूपीएससी में, इसके बाप ने कहा यूपीएससी में लगा हुआ है और ये अभी कुछ दिन में इसका रेलवे में काम होने वाला है, हमने पैसे भी दिए हुए हैं, इसका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है और बढ़िया से रिश्तेदारी रहेगी, आपकी बच्ची खुश रहेगी। हमने भी, चलो भाई ठीक है, हमारी बच्ची इतनी ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, ये भी चलो दो दिन आगे पीछे है, कुछ हम रिटायर होंगे, कुछ वो कर देंगे इसको, वो पैसे की हमने एफडी भी करवाई इसके लिए। तो अभी ऐसा क्या हुआ कि इनको जो है घर से बाहर निकाल दिया, आपको अपने घर से नरेला में आना पड़ा है? इसका फोन गया, पापा ये दोबारा से फिर टॉर्चर कर रहे हैं, मैं बता नहीं पा रही हूँ, मुझे भी बड़ा दुख हुआ और मैं वहाँ से फिर भागा हूँ। मैंने अपने भाई भतीजों को सबको फोन किया, भाई वहाँ आ जाओ, क्रिटिकल पोजिशन हो रही है और उसको बाहर बैठा दिया गया है। मैं रोनी से भागा हूँ, यहाँ मेरे ताऊ के लड़के भाई और वो वगैरह सब आए हैं, फिर इसको यहाँ देखा बैठा पर रोकते हुए, पा इसको समझा बैठे, कोई बात नहीं, हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, कानून है इस देश में, दो दिन आगे पीछे भगवान ठीक करेगा। उसका बाप ऐसे कुछ ड्रामे करता रहा, अरे भाई लड़का ही आएगा तब बैठे, मैंने सुबह फोन किया भाई मैं आ रहा। आपसे पैसे की भी डिमांड की गई है कुछ दहेज को लेकर? एक बारी नहीं, कई बारी की गई और वो मैंने 20-20 में छोटी मोटी रिक्वायर्ड 2-3 लाख मैं देता भी रहा उनको, तब वो शांत हो जाते कुछ टाइम के लिए, 2-3 महीने के लिए शांत हो जाते, फिर वही डिमांड है, फिर कभी बाहर छोड़ के ही चले जाते, वो पैसे लेके आएगा तब करेंगे। पीछे भी हमारा पूरा परिवार आके इनके हाथ पैर जोड़ के ने, फिर इनके भी घर परिवार के 2-3 थे, उनसे कुछ संबंध करके बोले ठीक है,
रहेगी। फिर उनका वही टॉर्चर शुरू हो गया है। आज उन्होंने ऐसा किया है कि इसको बाहर छोड़ के और अपने लोग दोनों तरफ, पीछे भी एक गेट है इनका, दोनों तरफ लोग लगा दिए हैं और गायब हो गए। मैंने जबकि उसको फोन किया, आगे गेट वाले और पीछे गेट वाले दोनों पर लोग लगा दिया गया है और घर के बाहर जो है पूरा परिवार बैठा हुआ है। पुलिस यहाँ पर पहुंच चुके हैं, मामले की तफ्तीश की जा रही है। ये लड़की की माता जी है, इनसे भी बात करेंगे। क्या हुआ है आपकी बेटी के साथ, किस तरीके से ये हुआ? तो ये टॉर्चर कर रहे हैं इसको मेंटली। कभी अच्छा। कहते हैं जब राजी मैं कूद जाऊंगा मैं, तो मेरी जिंदगी में रहेगी, तो कभी पैसों की डिमांड करते हैं। तो इसी तरीके से बार बार टॉर्चर किया जाता है। और आज सुबह से ये ऐसे ही बैठी हुई है? हाँ, महीना महीना दो दो तीन तीन महीने छोड़ दे है आपके घर पर। हाँ। अच्छा, डिमांड पूरी करोगे तो रखेंगे? तो लेके आऊंगे। अच्छा, नहीं तो नहीं। हाँ, नहीं तो। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि ये पूरा मकान है और मकान के बाहर ये ताला जो है वो लगा दिया गया है और लड़की बाहर बैठी हुई है। ये देखिए, लड़की बाहर बैठी हुई है और सुबह से इसी तरीके से भूखी प्यासी है, बाहर बैठी हुई है। इनके माता पिता यहाँ पे पहुंचे है, पुलिस प्रशासन यहाँ पर पहुंच चुका है मामले की। हाँ जी, जब से इसकी FT तड़वाई है इन्होंने 6 लाख, अपने FD करवाई थी, FD करवाई थी, वो FD तड़वा के अपने प्लॉट व्लॉट खरीदूंगा, मगर भी तेरी मर्जी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने यहाँ तक भी उसको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की थी, अगर और भी मैं मदद करूंगा रिटायरमेंट के बाद जो पैसा मिलेगा, फिर भी मैं तेरी मदद करूंगा, इसको टॉर्चर मत करो, इसको तब मत करो। आप रोइए मत, आप रोइए मत, ये भारत में कानून है, आप रोइए मत, आप चुप रहिए, आप रोइए मत बिल्कुल भी, ठीक है? कानून है, कानून का सहारा लिया जाएगा, आप रोने रोइए मत यहाँ पे, ठीक है? आप बैठे रहिए आराम से। पानी पिलाया इनको? पानी पड़ोस से लेके दिया था, अभी इन पड़ोसियों से वहीं बाथरूम किया, इसने वहीं पानी पिया है। गाड़ी के पैसे अलग नगद दिए थे, FD इसकी अलग दिया थी, FD भी तोड़ दी, गाड़ी का पता नहीं क्या किया। अब कहाँ तक हम मजबूर हो गए, हम नहीं चाहते थे ये काम पुलिस में जाए या कानून में जाए, लेकिन इतने मजबूर हो गए, जब बेटी की जिंदगी की सवाल आ जाएगा तो क्या करेगा बाप, ये मजबूरी में करना पड़ा हम लोगों ने, क्या करें, ये अब ऐसा सिचुएशन आ गई, क्या करें, कहाँ जाएं, कानून के पास नहीं जाएं तो कहाँ जाएं। तो आपने शादी में कितना खर्च किया था? आपने शादी में कम से कम 25 लाख के आसपास मैंने खर्च किया था, सोना जेवर जो भी इन्होंने डिमांड की हमारे इन। उसके बाद भी इन्होंने जब भी ये कौन सा त्यौहार आता है, हमें तो उसके सिग्नेचर के कंबल चाहिए, इतने कर, जो भी इन्होंने डिमांड की आज तक वही हमने पूरी की और हाथ जोड़ के की है। आगे भी मैंने आश्वासन दिया था, जो भी कहोगे वो लड़की को टॉर्चर मत करो, लेकिन फिर भी लड़की के पास ना कोई आभूषण नहीं है, जो हमने दिए थे वो भी नहीं है इसके पास, उन्होंने पूरा छीन कर रख लिया इसको। अच्छा। इसको बिल्कुल खाली करके और वो लड़का बाइक पर बैठा कर हमारे गेट के आगे छोड़ के वापिस आ गया 23 जुलाई को। उसके बाद वो कभी कहता है कल आऊंगा, कभी कहता है हमारा फैसला कर लो, कभी इस लड़की को कुछ कहता है, कभी कहता है मेरी मौत का कारण तू होगी, अपने घर वालों को बोल कि मेरी मौत का कारण तू होगी। बच्ची टॉर्चर होगी, वो इतनी परेशान होगी, कहता है अपनी बात कहीं बाहर बताई तो मैं तुझे गोली से मार दूंगा, ये भी बोला गया है। हाँ जी। अच्छा, ये डरती है वैसे, ये इतनी चेक होगी कि ये बात करती हुई भी डरती है ये। और अब आज तो ऐसा किया कि पहले इसने बात की थी कि मेरे साथ हुआ ऐसा ऐसा कर रहे हैं, तो इनके पापा ने किया कि मैं आ रहा हूँ, उससे हमने आके देखा तो इससे पहले तो ये घर से बाहर निकल गए, लड़की को बाहर छोड़ गए, बोला अभी आए हम एक घंटे में, तू यहाँ बैठ जा। और अभी तक आए नहीं है आप? सुबह से ऐसे ही बैठे हुए, सुबह से ऐसे ही बैठे हुए आप? हाँ जी, इसी तरीके से। कुछ खाया पिया आपने अभी तक? नहीं, कुछ नहीं कहा, ऐसे ही बैठे हो। ये देखिए, इसी तरीके से बैठी हुई है, लाचार है। और अब इनके माता पिता यहाँ पर पहुंचे, पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर पहुंचे है और बताया जा रहा है कि बार बार परिवार की तरफ से डिमांड की जाती थी अलग अलग पैसों की, उनकी वो डिमांड लगभग पूरी भी की जाती थी, लेकिन उसके बावजूद भी आज इस बिटिया को बाहर बैठे रहना पड़ रहा है और गेट के बाहर ताला लगा दिया गया है। घर के अंदर कोई है अभी नहीं है? अंदर जो पीछे किराएदार, उन्होंने बताई है गेट पीछे भी है कि बाकी लोग सभी अंदर हैं, लेडीज इतनी अंदर ही हैं, इसकी सास वगैरह सब अंदर ही हैं। अच्छा। वो जेंट्स इसको बाहर छोड़कर वे अपने इधर उधर निकल गए, वो सब इधर उधर निकल गए हैं। हो सकता है दूसरे जेट कोई हो अंदर, लेकिन सुसर तो अभी भी आया था, वो फिर उधर से घूम के निकल गया। पूरे परिवार की तरफ से इस तरीके की डिमांड की जाती है या परिवार में कोई तो ऐसा होगा जो आपकी तरफ से आपकी कोई तारीफदारी करता हो, कोई है इनके परिवार में? कोई है? कोई नहीं। पूरे परिवार में इसी तरीके का माहौल, पूरा परिवार टॉर्चर करता है? हाँ जी। क्या पूरे परिवार का टॉर्चर करता है? पूरा परिवार, कोई भी अगर इसको मदद मिलती तो ये रुक जाती, एक भी इनको हेल्प करने वाला यहाँ नहीं है, टोटली परिवार इनको टॉर्चर करता है।
बच्चों को भी बोल दिया जाता है इसके बिस्तर पे छपकली डाल दो और मराओ कुछ भी चूहा डाल दो इसको, मतलब एक हरेसमेंट मेंटली टॉर्चर इतना कर दिया गया। आज ये बिल्कुल हाथ खड़े करेगी पापा या तो ले जाओ मुझे या ये मुझे मार देंगे या मैं खुद फांसी ले लूंगी। अच्छा ये इन्होंने फिर मैं मगा बेटा कुछ नहीं करना है और मैं आ रहा हूँ तो चिंता मत कर। मैंने भाई को फोन किया और घर परिवार को फोन किया तब हम आए हैं तो तब उसको भी फोन किया था पहले मैंने उसको इनके हस्बैंड को भी फोन किया है इनके इसके ससुर को फोन किया बोला भाई मैं आ रहा हूँ कोई दिक्कत हो बैठ के बात करेंगे हैं तू चिंता मत कर परिवार को भी नहीं लेके आऊंगा तू अभी बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। वो तैयार ही नहीं है सुनने अभी तो यहाँ आया था पुलिस के साथ पुलिस ने बोला आया था फिर वो भाग गया उधर उधर। देख सकते हैं कि तैयार जो है वो यहाँ पर बातचीत के लिए तैयार नहीं है घर वाले और घर पर पूरी तरीके से ताला जो है वो मार दिया है। खुद लड़की सुबह से घर के बाहर बैठी है भूखी प्यासी बैठी है हार थक कर इन्होंने अपने पिताजी को फ़ोन किया और इनके पिताजी और वहाँ के घर के सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और लड़की की माता और पिता दोनों यहाँ पर आ गए हैं। यही वो मकान है जहाँ पर ताला मारा गया है और लड़की को घर से बाहर निकाल दिया गया है। ये सब बताया जा रहा है कि दहेज को लेकर बार बार घर की इनकी तरफ से इनके पति की तरफ से डिमांड की जाती थी अगर वो डिमांड समय रहते पूरी की जाती है तो ठीक है नहीं तो इनको घर से बाहर निकाल के ताला जो है वो लगा दिया गया है। अब पूरा परिवार प्रशासन से अपील कर रहा है मदद की गुहार लगा रहा है कि हमारी मदद की जाए अगर कोई भी इसमें दोषी है तो उस पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। और जितने भी दर्शक इस खबर को देख रहे हैं उनसे सबसे हमारी अपील है कि खबर को शेयर जरूर कीजिए ताकि इस बच्ची को इंसाफ मिल सके और इस तरीके से जो लालची व्यक्ति हैं उनका लालच वो जो पूरा होगा तो वो जेल में जाकर ही पूरा होगा अन्यथा वो लालच कभी पूरा नहीं हो पाएगा। हाँ जी एक गजेटेड अफसर की बेटी का ये हाल है बाकियों का क्या हाल होगा ये सोचकर बड़ा दिल बैठता है कि जब हम इतना कोशिश कर रहे हैं इतना दे पा रहे हैं वो अगर कोई नहीं दे जिसके पास बिल्कुल नहीं है तो एक साल भी सर्व नहीं कर पाएगी। देख सकते हैं कि 25 लाख रुपए शादी में खर्चा हुआ सोने के आभूषण दिए गए इतना खर्चा करने के बावजूद भी इस लड़की का ये हाल है। जो लड़की गरीब परिवार से होगी तो उन लड़कियों का क्या हाल होगा ये आप खुद सोचकर अंदाजा लगा सकते हैं। इनके पिताजी भी जो है वो गजेटेड ऑफिसर है कहाँ काम करते थे आप? मैं CISF में असिस्टेंट कमांडेंट हूँ और इसने जाने से वो कुछ दिन पहले अंगूठी और इसका मंगलसूत्र तक भी इसको ये शरीफ है बोले बेटे नहीं मैं तेरे इसकी वो पॉलिश उतर की पॉलिश करवाऊंगा वो तक भी उतरवा लिए इसका मंगलसूत्र और अंगूठी भी उसने उतरवा ली दामाद ने। अच्छा हाँ बताओ क्या करें? देख सकते किस तरीके से लालची किस्म के आदमी और जितने भी दर्शक खबर को देख रहे हैं खबर हमारी अपील यही रहेगी कि खबर को शेयर ज्यादा कीजिए ताकि बच्ची को इंसाफ मिल सके। फिलहाल पुलिस प्रशासन यहाँ पर आ चुका है और आगे की मामले की तफ्तीश जो है वो पुलिस प्रशासन के द्वारा की जाएगी। देखते रहिए सोनू के साथ दिल्ली समाचार सनीतु से।